शहर के शिव कॉलोनी स्थित गोगा मेड़ी में हुए रात्रि जागरण में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, जहरीले सांपों से खेलते दिखे बच्चे। राजस्थान के शेखावाटी इलाके में स्थित चूरू जिला, यहाँ के गांव ददरेवा में जहरवीर गोगा जी का जन्म हुआ था। यही वजह है कि सांपों के देवता जहरवीर गोगा जी के प्रति यहाँ के लोगों की अटूट आस्था है। आस्था ऐसी कि लोग जहरीले सांपों के साथ यहाँ खेलते देखे जा सकते हैं। चूरू जिला मुख्यालय के शिव कॉलोनी स्थित गोगा मेड़ी में आयोजित रात्रि जागरण में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। रात भर चले जागरण में गोगा जी के लोकगीतों के साथ लोक नृत्यों ने लोक संस्कृति को साकार कर दिया। जागरण के दौरान बच्चे भी बिना किसी डर के काले नाग को हाथों में लेकर खेलते दिखे। मौत के पर्याय माने जाने वाले काले नाग के साथ कुछ लोग खेल खेल में सेल्फी लेते तक नजर आए। जागरण में पारंपरिक वाद्य यंत्रों डेरू, ढोल और बाटका आदि की गगनभेदी ध्वनि के साथ भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। भक्त गोगा जी के जयकारों के बीच जहरीले सांपों को हाथों में लिए ढोल और झिंझे की धुन पर नृत्य करते दिखे। बताया जाता है कि गोगा जी के प्रति लोगों में इतनी आस्था है कि उनका मानना है कि गोगा मेड़ी में धोख लगाने के बाद कोई भी सांप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जागरण के दौरान शहर की तमाम गोगा मेड़ी से आए भक्तों को भी सम्मानित किया गया। सांप बच्चों को हानि नहीं पहुंचाते, पहुंचा भी देते तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बाबा का आशीर्वाद है और हमारी श्रद्धा है। हमारे गोगा जी महाराज की क्षेत्र में बहुत मान्यता है और सर्पों का देवता कहा जाता है और बहुत ज्यादा मान्यता है।